Alô, alô. No, question based on cylinder. देखो जी, सिलेंडर में सबसे पहले आएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वेयर एच। ये देखो क्रिएट कैसे हुआ फॉर्मूला, एक जो सर्कल है उसका एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया, पूरा वॉल्यूम क्रिएट हो गया। हाइट को मल्टीप्लाई कर दिया, पूरा क्या हो गया, वॉल्यूम क्रिएट हो, ठीक है ना। वॉल्यूम ये ओपन सिलेंडर का भी सेम होता है और क्लोज सिलेंडर का भी सेम होता है, ठीक है ना। उसमें कोई फिर होता है सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड राइट सर्कुलर सिलेंडर, क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर। देखो जी, सर्कमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई आर। हाइट इन्वॉल्व हो जाए तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। एक सर्कल का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। दोनों सर्कल का एरिया जोड़ के कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना जी। अगर किसी सिलेंडर को पेंट करना है तो साइड से और सर्कल दोनों को पेंट करना पड़ता है। ऐसे ही सरफेस एरिया ऑफ एन ओपन सिलेंडर, ओपन राइट सर्कुलर सिलेंडर, दैट इज 2 पाई आर एच। क्योंकि ये ओपन है तो एक ही सर्कल इन्वॉल्व होगा, पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज सिंपली 2 पाई आर एच। जैसे कि ये पेन है, ये भी सिलेंड्रिकल शेप में है, हमें कर्व्ड सरफेस चाहिए, साइड पे पेंट करना, ऊपर नीचे नहीं करना। तो ये इनके फॉर्मूले हैं, ये आर हो गया, ये एच हो गया, ये आर हो गया, ये एच, ठीक है जी। गॉट इट, नोट लिख लो। इफ नथिंग इज अ मेंशन If nothing is mentioned about open or closed cylinder, then it is assumed to be closed right circular सिलेंडर, ठीक है जी, क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर। व्हाट इट, क्वेश्चन लिखते हैं, कंडीशंस वही रहती हैं, कोई एक कांस्टेंट, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है जी, ये तो फाइंड आउट सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज्ड
राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 100 सेंटीमीटर क्यूब एंड हैविंग मिनिमम सरफेस एरिया, हैविंग मिनिमम सरफेस एरिया, ठीक है ना, सरफेस एरिया भी निकालना है। जैसे कि ध्यान से देखो, मैंने आपको बता रखा है एक चीज कांस्टेंट जरूर दे रही है, जैसे वॉल्यूम बता रखा है, इसमें वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान से देखो, पाई तो कांस्टेंट है, आर भी वेरिएबल है, एच भी वेरिएबल है, तो एच को कन्वर्ट करना बहुत आसान है, क्या हो जाएगा 100 बाय पाई आर स्क्वायर, 100 बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। सरफेस एरिया को मिनिमम करना है 2πRh प्लस पाई आर स्क्वायर, 2πR स्क्वायर, एच को रिप्लेस करो, पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, 200 बाय आर, 2πR स्क्वायर, 2πR स्क्वायर, ठीक है जी। पूरा फंक्शन तैयार है, डेरिवेटिव करने से पहले फंक्शन को बिल्कुल हमेशा तैयार रखते हैं। ds बाय डी आर माइनस 200, ये हो गया 4πr, तो ds बाय डी आर हो गया माइनस 200 बाय आर स्क्वायर, पुट ds बाय डी आर इज इक्वल टू 0। टू हंड्रेड बाय फोर बाय आर हो गया 50 बाय पाई, क्लियर। ठीक है जी, दोबारा डेरिवेटिव करो, 400 बाय आर क्यूब 4π, ठीक है जी। आर की वैल्यू रखो, आर क्यूब ही निकला हुआ सीधा, 50 बाय पाई, लो जी ये हो गया 8π प्लस 4π यानी 12π पॉजिटिव, देयर फोर पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है जी। सरफेस एरिया भी निकालना है, सरफेस एरिया ध्यान से देखो, ये है 200 बाय आर प्लस 2πR स्क्वायर, आर की वैल्यू 2πR करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है जी, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ये आ गया आपका सरफेस। 6 नंबर का क्वेश्चन इसका आना ही आना है वर्ड प्रॉब्लम में, ठीक है जी, नोट कर लो इसे, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। नेक्स्ट लिखिए, कहता है सिलेंडर इज सच दैट
cylinder is such that sum of its radius and circumference of base is 10 meters. Find the greatest yani maximum volume of cylinder. कहता है एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस और सर्कमफ्रेंस को जोड़ दिया जाए, हाइट सम ऑफ इट्स हाइट. कहता है उसकी हाइट और सर्कमफ्रेंस को अगर जोड़ दिया जाए तो 10 मीटर्स आता है. तो हाइट को कन्वर्ट कर लो, क्योंकि आर भी वेरिएबल है एच भी वेरिएबल है, किसी एक को कन्वर्ट करना होता है. एच को कन्वर्ट करना बहुत ईजी होता है. ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम क्या है, पाई आर स्क्वेयर एच, आर स्क्वेयर ठीक है जी, 10 पाई आर स्क्वेयर माइनस 2 पाई स्क्वेयर आर क्यूब. अब विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे, 10 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो वेरिएबल क्या बचा, आर, 10 पाई ये हो गया 2r, 3r. ठीक है जी, पुट डीबी बाय डी आर इज इक्वल टू 0. आर से आर, आर आ गया 10/3, आर आ गया 10/3 पर. ठीक है जी, अब सिंगल डेरिवेटिव को द्वारा लिखो, आर की वैल्यू रखो 10/3 पाई, पाई से पाई कट गया, 20 पाई माइनस 40, -20 नेगेटिव, देयरफॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम. ठीक है जी, अब वॉल्यूम को भी निकालने को उसने बोला है. वॉल्यूम क्या है, 10 पाई आर स्क्वेयर, क्योंकि आर की वैल्यू तो बोला लो जिसमें आप इजीली वॉल्यूम निकाल सको, 10/3 पाई का स्क्वेयर, 10/3 पाई का क्यूब. कट गया, ठीक है जी, एलसीएम लिया, ये हो गया 20 मीटर क्यूब, सॉरी मीटर, हमने ग्रेटेस्ट वॉल्यूम निकाला, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम हमने इसमें फाइंड कर दिया. 6 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से करें, हमेशा वही रहेगा, पहले कोई कांस्टेंट कंडीशन देगा. जैसे इसमें कांस्टेंट कंडीशन क्या दी है उसने, कि सम ऑफ हाइट एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस इज 10 मीटर, वो हमने लिख दिया. ठीक है जी, वो हमने लिख दिया. ठीक है जी, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम यानी मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम को मैंने फंक्शन मान लिया, रिप्लेस किया, सिंप्लीफाई करा, करते 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 हम यहां पहुंच गए
फिर वॉल्यूम को निकाल दे, तो वॉल्यूम को कहीं कॉपी कर लीजिए इसे, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सिलेंडर इज सच दैट सम ऑफ इट्स हाइट एंड रेडियस ऑफ बेस इज 6 meters, इज 6 meter, फाइंड द ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। कॉन्स्टेंट कंडीशन क्या होगी, हाइट और रेडियस को जोड़ दें तो 6 आ गया, तो इसमें आर भी कन्वर्ट हो सकता है, एच भी हो सकता है, पर आप नॉर्मली एच को ही करें क्योंकि बाकी क्वेश्चन में हमने एच को कन्वर्ट किया। वॉल्यूम पाई आर स्क्वेयर एच, क्योंकि अगर आर को यहां डालोगे स्क्वेयर खोलना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, बेटर है कि एच सिंगल होता है, जल्दी से जल्दी सिंप्लीफाई हो जाता है। 6 πr² माइनस पाई आर क्यूब, लो जी dv by dr, ठीक है जी, put dv by dr is equal to 0, यानी 12 πr is equal to 3 πr² एक r से r कट गया, पाई से पाई कट गया, r आ गया 4, r क्या आ गया 4। सिंपलेस्ट फॉर्म लिखो, आर की वैल्यू 4, सॉरी अब डबल डेरिवेटिव करेंगे, ट्वेल्व पाई माइनस 6 πr आर की वैल्यू माइनस 12 πr नेगेटिव, देयरफॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कहती है कि आपको ग्रेटेस्ट वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम को भी निकालना है, वॉल्यूम है आपका 6 πr² माइनस पाई आर, मीटर क्यूब, ये आपने वॉल्यूम भी निकाल दिया, 6 नंबर पूरे हो गए आपके।
ठीक है जी। देखो जी नेक्स्ट लिखो, शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस, ऑफ गिवन सरफेस जिसका सरफेस एरिया हमें पता है एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, एंड मैक्सिमम वॉल्यूम सच दैट हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ बेस, हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ बेस। ठीक है जी। कहता है कि ऐसा सिलेंडर जिसका सरफेस एरिया में पता, ये हो गया कांस्टेंट। ठीक है जी। इसमें से h को कन्वर्ट कर लो, s माइनस टू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू टू पाई आर एच, एच क्या हो गया, h आ गया। मैक्सिमम वॉल्यूम, वॉल्यूम मैक्सिमम है, वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर s माइनस टू पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू पाई आर। एस आर बाय टू ठीक है जी। सामने वेरिएबल क्या बचता है आर, सो डीवी बाय डी आर। ये वर्ड प्रॉब्लम का पार्ट थ्री चल रहा है, डीवी बाय डी आर एस बाय टू माइनस थ्री पाई आर, थ्री पाई आर। ठीक है जी। पुट डी वी बाय डी आर इज इक्वल टू जीरो, एस बाय सिक्स पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर, आर हो गया एस बाय सिक्स पाई। माइनस सिक्स पाई आर की वैल्यू हमने निकाली हुई है यहां पर एस बाय सिक्स पाई नेगेटिव, देयरफॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ठीक है जी। ये आ गया, अब वॉल्यूम को निकाल दो। इसमें खैर शो करना है हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द वेट, हाइट क्या हमने फॉर्म करी हुई है। S को निकाल लो यहां से, S क्या हो जाएगा 6 पाई आर, और पीट के बजाय हाइट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस, यानी हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस, हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस।
है जी। नेक्स्ट देखो, show that the right circular cylinder of given volume and least surface such that h is equal to diameter of the base. Volume given है, volume v हमारा इसमें क्या हो गया, constant. h को बड़े आराम से convert कर लो, ठीक है जी। सरफेस एरिया हो गया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। कुछ ना दिया हो तो सिलेंडर क्या होता है, क्लोज। ये हो जाएगा माइनस 2v ओवर r स्क्वायर 4 पाई r। ठीक है जी। आर हो गया वी बाय 2 पाई का 1 बाय। दोबारा डेरिवेटिव करते हैं इसका, दोबारा से कर दो, क्या हो जाएगा 4v ओवर आर क्यूब प्लस 4 पाई। आर क्यूब की वैल्यू रख दो, v से v कट गया, 8 पाई प्लस 4 पाई, 8 पाई प्लस 4। पॉजिटिव, देयरफॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है जी। हाइट हमारी है वी ओवर पाई आर स्क्वायर। वी की वैल्यू यहां से देखो निकल आएगी 2 पाई आर क्यूब, हाइट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस। करो, ठीक है जी, हो गया नोट।
show that open right circular cylinder. Show that open right circular cylinder of given volume and least surface such that height is equal to radius of base. Height is equal to radius of base. इस बारे में बता दिया गया है कि सिलेंडर क्या है, ओपन, गिवन क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है जी, सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, लिस्ट करना है इसको, टू वी ओवर आर पाई आर स्क्वायर, लो जी फंक्शन तैयार है, ds बाय डी आर माइनस टू वी ओवर आर स्क्वायर प्लस टू पाई आर, टू से टू कट गया, v by pi is equal to r cube, r cube हो गया v by pi का 1/3, लो जी ठीक है जी, r cube की वैल्यू रख दो, फोर पाई प्लस टू पाई इज इक्वल टू सिक्स पाई, पॉजिटिव, देयर फोर पॉइंट ऑफ मिनिमम, उसने क्या बोला कि हाइट इज इक्वल टू वी अपॉन हमारा क्या था पाई आर स्क्वायर, वी की वैल्यू यहां से निकल आएगी, वी क्या हो जाएगा पाई आर क्यूब, हाइट किसके बराबर आ गई रेडियस, हाइट इज इक्वल टू रेडियस, हाइट इज इक्वल टू रेडियस, ठीक है जी, करो कॉपी करो, कॉपी कर लो, पॉज द वीडियो एंड कॉपी द आंसर, जैसे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन सरफेस and maximum volume such that height is equal to radius of the base. लो जी सरफेस पता है हमें, सरफेस एरिया ओपन सिलेंडर का होता है 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वेयर, ठीक है जी, लो जी इसमें से h को निकालो, हरिओम हरिओम, ये किसके बराबर आ गया h के, वॉल्यूम मैक्सिमम है पाई आर स्क्वायर h,
पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया, एस आर बाय टू माइनस पाई आर स्क्वायर बाय टू। फंक्शन अच्छे से तैयार कर लेना, तब जब तक डेरिवेटिव करने के काबिल ना हो जाए। ठीक है जी, वो डी वी बाय डी आर इज इक्वल टू जीरो। आर क्या हो गया, एस बाय टू पाई, एस बाय टू पाई। ठीक है जी, लो जी, नेगेटिव देयर फोर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है जी, अब क्या प्रूव करना है, हाइट इज इक्वल टू एस की वैल्यू, ध्यान से देखो, एक मिनट यहां गलती होगी थोड़ी, ये एस आर थ्री, ये बनेगा थ्री ए पाई आर स्क्वायर बाय टू, तो आर हो जाएगा एस बाय थ्री पाई का रूट। लो ये हो जाएगा माइनस सिक्स पाई आर। ठीक है जी, एस की वैल्यू आ गई थ्री पाई आर स्क्वायर। हाइट इज इक्वल टू रेडियस, हाइट इज इक्वल टू, हाइट इज इक्वल टू रेडियस। ठीक है जी, ठीक है जी, ये हो गया। क्वेश्चन बेस्ड ऑन रेक्टेंगुलर शीट, कन्वर्टेड इनटू बॉक्स। ठीक है जी, जैसे देखो रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टेन, फोर्टी फाइव बाय ट्वेंटी फोर कन्वर्टेड इनटू अ बॉक्स, विदाउट टॉप, by cutting off equal square from the corner। ठीक है जी,
equal square from the corner, what should be the dimension of the square to be cut so that volume is maximum possible? ठीक है जी, एक रेक्टेंगुलर शीट है 45 बाय 24, आपने साइड से स्क्वायर काट दिए और फ्लैप बन गया, फ्लैप को मोड़ोगे तो बॉक्स बन जाएगा, फ्लैप को मोड़ोगे तो क्या बॉक्स बन जाएगा। लेट द डायमेंशन ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर is x, ठीक है ना, ये है सेंटीमीटर ले लो, तो रिवाइज लेंथ ऑफ बॉक्स जैसे लेंथ 45 है, एक x यहां से कट गया, एक x यहां से कट गया, कितना हो गया 2x। रिवाइज ब्रेथ ऑफ द बॉक्स, ट्वेंटी फोर माइनस टू एक्स, एंड जो हाइट बनेगी ना, जो आप कट करोगे जब मोड़ोगे ना उतना ही मोड़ेगा जितना आपने काटा, तो हाइट सिर्फ सीधा सीधा एक्स हो जाएगा। हाइट ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू एक्स मीटर, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 45 माइनस टू एक्स, 24 माइनस टू एक्स, ठीक है जी। डेरिवेटिव करेंगे डीवी बाय डीएक्स, फर्स्ट सेम इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, प्लस सेकंड सेम इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। लो जी, सारा मर्ज करना है, सारा कलाकारी मर्ज करने की, ये आ गया आपका डीवी बाय डीएक्स, स्प्लिट कर लो अंदर ही अंदर, ये बनेगा वो डीवी बाय डीएक्स इज इक्वल टू जीरो। एक्स इज इक्वल टू 15, एक्स इज इक्वल टू 8,
दो डायमेंशन आ गई, एक आ गई 15 और एक आ गई 8। अगर आप 15 रखते हो तो लेंथ तो निकल आएगी, ब्रेथ नेगेटिव हो जाएगी, ब्रेथ क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, तो पॉसिबल ही नहीं है 15 वाली लेंथ। तो एक्स हो गया 8। सो लेंथ ऑफ बॉक्स 45 - 2x 29। अब करेंगे डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म का करो। x की वैल्यू रखेंगे 8, -84 आ गए नेगेटिव, देयरफॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। इस क्वेश्चन में ये था कि आपको डायमेंशंस निकालने थे, डायमेंशंस आपने निकाल ली, मैक्सिमम प्रूव कर दिया, सब कुछ हो गया, बचा कुछ भी नहीं। ठीक है जी, इसके अब मैं दो क्वेश्चन लिखवाऊंगा होमवर्क के लिए, आप पहले नोट कर लो इसको। तीन क्वेश्चन है, तीनों एनसीईआरटी में दे रखे। जैसे कि होमवर्क में लिख लो, अ स्क्वायर शीट ऑफ 10 24 by 24 कन्वर्टेड इनटू अ बॉक्स विदाउट टॉप बाय कटिंग ऑफ इक्वल स्क्वेयर फ्रॉम द कॉर्नर। ठीक है, इसमें जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 4, वैसे तो 12 भी आएगी, डायमेंशन x इज इक्वल टू 4 एक्सेप्टेबल है, 12 वाली को आपको छोड़ना पड़ेगा, 12 वाली को आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है जी, सेम क्वेश्चन है एनसीईआरटी में भी दे रखा है। ठीक है जी, एक और लिख लो, 36 बाय स्क्वायर शीट है ये भी। आंसर x के दो आएंगे, एक 6 आएगा और एक 18 आएगा, इसको हमें छोड़ना पड़ेगा, हमारे लिए कौन सा चलेगा 6 मीटर है।
ठीक है जी। अब नेक्स्ट लिखो, इसे कॉपी कर लो पहले क्वेश्चन। ठीक है जी, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोन्स, क्वेश्चन बेस्ड ऑन कोन्स, ठीक है जी। कहते शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल, show that semi vertical angle of the cone is maximum and maximum volume and given slant height is tan inverse root। बहुत पुराना क्वेश्चन है ये, मैंने 89 में 12th करी थी तब भी ये एग्जाम में बुक्स में हमारी था, ठीक है ना। एक सिलेंडर है जिसकी स्लांट हाइट हमें पता है, उसके सेमी वर्टिकल एंगल को ये शो करना है, ठीक है जी। पहले तो तैयारी करनी पड़ती है, ये आपका कोण है, सेमी वर्टिकल एंगल ये शो करना है, स्लांट हाइट गिवन है, थीटा के सामने ध्यान से देखो पी बी पी एच एच बी, थीटा के सामने हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर। तो आप इसे एल साइन, क्योंकि आपने थीटा के अल्फा रखा है तो अल्फा ले सकते हैं। बेस को हम किससे शो करते हैं, कॉस से, एल कॉस अल्फा। अगर आप इसको यूज करोगे ना राइट एंगल ट्रायंगल को, आपको यही मिल जाएगा, जैसे कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर, एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, ठीक है जी। तो वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 πr²h, ये माना जाता है एक सिलेंडर में से तीन कोन निकल सकते हैं, तो पूरा वॉल्यूम सिलेंडर का है 1/3, एक सिंगल निकला, r की वैल्यू l साइन अल्फा का स्क्वायर, h हो गया l cos अल्फा, एल स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, एल कॉस अल्फा, एल इसमें हमारा कांस्टेंट रह जाएगा, रीजन क्योंकि गिवन स्लांट हाइट बोला, बस स्लांट हाइट हमें पता है, स्लांट हाइट हमें पता है। सारा जो प्रॉब्लम होता है फंक्शन तैयार करने का होता है, ठीक है ना जी। डीवी बाय डी एल्फा 1/3 πl फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल इधर अल्फा है, प्लस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, डेरिवेटिव नहीं आता हो तो सब खत्म है, ये ध्यान रख लेना, माइनस साइन क्यूब अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है जी। लो जी, पुट डीबी बाय डी अल्फा इज इक्वल टू 0,
जी एक कट गया, टू इज इक्वल टू क्या बन जाएगा जब सिंपलीफाई करेंगे, टेन स्क्वायर अल्फा, टेन अल्फा इज इक्वल टू रूट टू, अल्फा क्या हो गया टेन इनवर्स रूट टू, अल्फा क्या हो गया टेन इनवर्स जी, ये आ गया हमारा अल्फा ग्रेड हो गया जो हमें चाहिए था बेसिकली। अब क्या करना है, सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव में नेगेटिव प्रूव करना है। इसका डेरिवेटिव हो गया, यहां पे प्रोडक्ट टू लगेगा फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, सेकंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ये हमने डबल डेरिवेटिव कर रखा है। लो जी कॉस क्यूब अल्फा कॉमन ले लो, अंदर ही अंदर क्या बनेगा वन माइनस सेवन टेन स्क्वायर अल्फा, जिसको डिवाइड करा तो टेन स्क्वायर अल्फा हमारा किसके बराबर है टू के, ये माइनस फोर्टीन आ गया, क्या बन जाएगा माइनस फोर्टीन बाय थ्री, क्या लिखेंगे नेगेटिव, तो पॉइंट ऑफ, पॉइंट ऑफ, ठीक है जी। बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसे। ठीक है जी नेक्स्ट लिखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज पे भी हमें ध्यान रखना होता है। शो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन ऑफ गिवन सरफेस so that semi vertical angle of right circular cone
right circular cone and given surface